तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप पैन कार्ड कैसे बनाएंगे घर बैठे, वो भी मात्र 106 रुपये में, जिसमें आपके घर के पते पे जो है पीवीसी कार्ड भी आ जाएगा, और जो आप अपना मन मर्जी फोटो भी रख सकते हैं और सिग्नेचर भी अपना मन मर्जी रख सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जो ये फॉर्म आपको दिख रहा है, इस फॉर्म को पहले आपको फिलअप करना होगा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे टाइप अप में न्यू पैन सिटीजन फॉर्म 49A, और उस पर सेलेक्ट करेंगे, फिर इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे टाइटल में श्री श्रीमती कुमारी जो भी टाइटल आपका वो टाइटल रखेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम आप अपना डालेंगे, यहाँ पे अपना मिडिल नेम डालेंगे, नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। देन उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पे आप अपना एक मेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ये जो टर्म एंड कंडीशन है एक्सेप्ट करेंगे, और ऊपर जो कैप्चर है वो सेम कैप्चर आपको नीचे फिल करना होगा। देन उसके बाद जो है आपको सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो है पैन का टोकन जनरेट हो जाएगी। इस टोकन को आप जो है कॉपी कर लीजिएगा। कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पांच जो है स्टेप है, पांचों स्टेप को पूरा करना होगा। इसमें लिखा हुआ है सबमिट डिजिटली थाउज ई के वाई सी एन ई साइनिंग पेपरलेस। इसको हमें सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सारा आ जाता है, आधार कार्ड का फोटो आ जाता है। हमें सेकेंड वाला नंबर सबमिट स्कैन इमेज थाउज ई साइनिंग, इस पर क्लिक करना होगा। इससे फ़ायदा होगा कि आपका फोटो अपना मनपसंद का रख सकते हैं और सिग्नेचर भी अपना मनपसंद का रख सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है वेयर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। तो हाँ, हमें पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, हमें जो है कार्ड वाला पीवीसी कार्ड वाला पैन कार्ड हमें चाहिए। तो इसमें जो है चार्जेस यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है अपना आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे टाइप करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना 4 डिजिट टाइप कर लेता हूँ। फिर नीचे आपको जो है आधार कार्ड में जो नेम है सेम टू सेम नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो उसके बाद फिर आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है आपको कोई दूसरे नाम से जाना जाता है तो ये दूसरे नाम में येस करेंगे, नहीं तो नो पे सेलेक्ट रखेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे फादर का जो है लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे फिर फर्स्ट नेम डालेंगे, देन इसके बाद आपको जो है मिडिल नेम डालना होगा, फिर ऐसी मदर का आप जो है ये जो है लास्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम, देन उसके बाद मिडिल नेम डालेंगे। देन नीचे आपका जो है वो पैन कार्ड पे आपके पेरेंट्स में फादर का नेम होना चाहिए या फिर मदर्स का नाम होना चाहिए पैन कार्ड में। तो इसमें जो होता है सिर्फ दो ही आदमी का नाम रख सकते हैं, चाहे तो पिता का या तो मम्मी का, इसमें वाइफ या हस्बैंड का नाम नहीं रख सकते आप। तो यहाँ पे करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा जो सोर्स ऑफ योर इनकम, इस यहाँ फिल करना होगा। तो नॉन इनकम पे भी आप डाल सकते हैं, नो इनकम पे डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप जो है आप ऑफिस एड्रेस, रेसिडेंशियल या फिर ऑफिस एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं रेसिडेंशियल हूँ तो अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे फ्लोर नंबर डाल सकते हैं, जो भी है ब्लॉक नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे फ्लैट नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है अपना विलेज का नाम डालेंगे। विलेज के नाम डालने के बाद फिर अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस का नाम डालेंगे। देन यहाँ पे एरिया, जो भी एरिया लोकेलिटी आएगी वो एरिया को आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट का डालना होगा नाम। देन उसके बाद कंट्री का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे जो होगा सर अपना स्टेट को चूज करेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे अपना। देन उसके बाद यहाँ पे भी सेम एड्रेस आप डाल सकते हैं या तो फिर अपना ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हैं। देन उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर आपको जो है कंट्री कोड आपको डालना होगा, जो भी 91 है, मैं कंट्री कोड अपना डाल दिया हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा। फिर नीचे जो है आपका मेल आईडी रहेगा, जो मेल आईडी पैन कार्ड से लिंक रहेगा। देन उसके बाद नो पे ही रखेंगे या और नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे जो है ये फिल होकर रहेगा। अगर आपके यहाँ फिल होके नहीं आता है तो फिर नीचे आप आएंगे, इंडिया सिटीजन पे आप क्लिक करेंगे। इंडिया सिटीजन पे क्लिक करने के बाद फिर आप स्टेट, सिटी और फिर एरिया नेम डालेंगे तो आपके यहाँ शो हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप नीचे आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद फिर फोर्थ चरण में आपको जो है अपना जो है जो भी डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आप जो लगाना चाह रहे हैं वो रखेंगे। और फिर यहाँ पे जो है आप भी आधार कार्ड ही रखिएगा, दोनों में आधार कार्ड रखिएगा प्रूफ ऑफ एड्रेस में, और यहाँ पे भी आप अपना आधार कार्ड ही रखिएगा जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पे आएंगे, हिमसेल्फ पे क्लिक करेंगे।
डिक्लेरेशन में देने के लिए हिमसेल पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे जो है प्लेस का नाम डालेंगे, जो भी आपका विलेज है उसका नाम डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो है अपना एक फ़ोटो, जो भी पैन कार्ड पे आपको फ़ोटो चाहिए वो फ़ोटो यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको देख लेना है अपना साइज कि कितने साइज की जो है फ़ोटो होनी चाहिए, कितने बाई कितने का, और 50 KB से नीचे का फ़ोटो यहाँ पे सिग्नेचर जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। देन उसके बाद नीचे अपना ये डॉक्यूमेंट जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड करके देन उसके बाद जो है सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं जो है अपना फ़ोटो जो है अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि सेम टू सेम इसी साइज का फ़ोटो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना, यहाँ पे जो है अपलोड करना है, 50 KB से नीचे होना चाहिए वो फ़ोटो। तो आप अपना जो है फ़ोटो बना लीजिएगा कोई एप्लीकेशन से, या तो फिर आप बहुत सारी जो है वेबसाइट है वहाँ से आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे अपना PDF जो है वो 300 KB से नीचे होनी चाहिए। वो PDF अपलोड करने के बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। तो हमने अपलोड कर लिया है पूरा, और फिर हम जो है अभी आगे प्रोसेस हम आपको बताते हैं। वेबसाइट खोल के आप फोटो रिसाइजर सर्च करके आप यहाँ पे सेम टू सेम साइज करके और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन नीचे आएंगे, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो है अपना जो भी आपने डिटेल फिल किया है, जो आपने 4 लास्ट का डिजिट वो पीछे का जो है 8 डिजिट आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो मैं अपना आधार कार्ड का 8 डिजिट टाइप कर दिया हूँ। फिर प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। देन एक बार अपना डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, जो भी है वो सही है या नहीं है, नहीं तो फिर एडिट वाले बटन पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे सही है। हमें प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे करने के बाद फिर यहाँ पे जो है फॉर्म 49A का आपको जो है जो भी चार्जेस लगता है वो चार्जेस यहाँ पे करेंगे। आप ऑनलाइन के थ्रू भी चार्जेस पे कर सकते हैं, UPI वगैरह के थ्रू भी आप चार्जेस पे कर सकते हैं। तो आई एक्सेप्ट करके फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। 106.90 रुपये आपका कटेगा। तो यहाँ पे जो है आप किसी भी जो है बैंक से आप कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड, वॉलेट, UPI, ये सारे जगह से आप पेमेंट कर सकते हैं। हमें जो है वो QR कोड से ही करना है, तो UPI करेंगे। देन उसके बाद इस QR कोड को हम जो है ऊपर जो है शो QR कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आप QR कोड का जो है वॉलेट से भी कटवा सकते हैं। मुझे QR कोड से करना है, तो QR कोड पे पेमेंट करेंगे हम। तो मैं कर लेता हूँ अपना पेमेंट। तो मैंने पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे जो है वेट करने का टाइम आ रहा है। यहाँ पे आपको जो है रिफ़्रेश नहीं करना है, नहीं तो पेमेंट आपका फंस जाएगा। इसको बिल्कुल भी आपको रिफ़्रेश नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे जो है आप इसका जो है रिसिप्ट रख सकते हैं, रेफरल नंबर रख सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करेंगे। फिर देन उसके बाद जो है और ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा। ऑथेंटिकेशन के लिए OTP जाएगा, जो भी आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस नंबर पे OTP भेजा जाएगा। इस OTP को यहाँ आप फिल करेंगे। देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो होगा सर, कंटिन्यू विथ ई साइनिंग करनी होगी आपका पैन कार्ड का। तो ई साइनिंग पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद जो है अपना यहाँ पे आधार नंबर टाइप करेंगे। देन सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद वेरीफाइड OTP पे क्लिक करेंगे। तो फिर आपका जो है ये सारा चीज़ जो है कंप्लीट हो गया है। आप ई साइनिंग भी कंप्लीट कर लिए हैं, पेमेंट भी कर लिए हैं, आपका ये बन गया है। यहाँ पे जो है आपका जो है ये पासपोर्ट फाइल जो इसका रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, ये तीनों चीज़ मिक्स रहेगा। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ पहले यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर जो भी मंथ है मंथ टाइप करेंगे, फिर ईयर टाइप करके फिर ओके पे करेंगे। तो ये PDF जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा और इसे देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर टाइप करके आप इसका जो है रिसिप्ट को देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं जो है एक हफ्ते से 5 से 7 दिन के अंदर ही आपको जो है अपना पैन कार्ड आपके एड्रेस प्रूफ पे भेज दिया जाएगा और आपके ईमेल ID पे भी ये मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जो है PVC कार्ड कहीं से भी निकलवा सकते हैं अगर बाहर आप रहते हैं तो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।